अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ओरियन चाइनीज चिकन के पार्ट टू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें हमने उसकी ग्रेवी तैयार करनी है। पार्ट वन में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी थी कि चिकन हमने कैसे फ्राई किया था। चिकन के पीसेज हमारे ऑलरेडी यहाँ पे फ्राई किए हुए हैं, तो उसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हम उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर यानी कि सिरका, कॉर्नफ्लोर, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसे मिक्स कर लिया है। ये ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होगा। ओरेंज चाइनीज चिकन इसका नाम है, तो इसके लिए ऑरेंज जूस हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। स्पाइसेस इसमें ऐड हो गए 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1 टीस्पून नमक। नॉनस्टिक कढ़ाई के लिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम टू लो फ्लेम। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर ब्राउन शुगर और वाइट शुगर भी ऐड कर सकती हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। ये अच्छे से हमारा फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम चिली सॉस, सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम सिरका ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। फ्लेम इसके नीचे हम थोड़ी लो कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। सॉसेज हमने जितने भी इसमें ऐड किए थे वो अच्छे से पक गए हैं। हम इसके अंदर इसे गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, क्योंकि ये ऐड करने से वो फ़ौरन ही असर होना शुरू हो जाता है। चलें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। फ्लेम इसके नीचे हमारी बिल्कुल लो है। सॉस हमारा तैयार हो गया लो फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया था, और ये ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत क्रिस्पी सा, क्रंची सा, मज़े का चिकन तैयार होता है ये। आप इसे ज़रूर ट्राई करें जी। चिकन को हमने अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही। 2 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था। चेक कर लेते हैं हम इसको। चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया सॉस में। ये देखें फ्लेम इसके नीचे अब हम बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार ओरियन चाइनीज चिकन की रेसिपी आज कंप्लीट तैयार है। पार्ट वन मैंने इसका पहले ही आपके साथ शेयर कर दिया था और पार्ट टू की भी आज रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसे गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।